क्या बेटा? कौन सा एक्टिविटी करें ऐसे? एक्टिविटी करना है? हाँ भाई, के जैसे देखो ऐसे ये एक्टिविटी करना है क्यों? तुम फिर बोर हो गए? टीवी देखो। वाह, ये भाई ने अच्छा किया तुमने। व्हाट इज दिस यू नो? व्हिच एक्टिविटी इज दिस? रवा, इट इज मेड ऑफ रवा, रवा प्रिंटिंग। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ आउटलाइन, या देन वी हैव टू पुट अ ग्लू ऑन इट, देन वी हैव टू स्प्रिंकल रवा, देन इट विल बी लाइक दिस। लुक, इट्स सो हार्ड, इट्स नॉट कमिंग। And this is water, this is boat, this is birds, cherries, nice. Show your bird. Now to the same. Arshan. You want to do this? We don't have this board now, no? Yeah, but still. Canvas board we don't have, we have to buy. I don't. You pushed me off. Eight. Yeah. Three. Seven. Rainbow, I won. Four. कौन डालेगा? मम्मा? Six. Zero. Do it. Zero. Now, actually, it's zero. Two. We'll put two cards. Two. Two cards, please. Yeah. It's me. Reverse. Rainbow. Azik, one. That's four. Azik, dalo next. देखो तुम्हारा WhatsApp अभी disturb डाल दो अभी कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो गए। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है फ्रेंड्स। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। बच्चे काफ़ी बोर हो रहे थे तो कुछ ना कुछ करने मन हो रहा था। अरशान भी टीवी देख के बोर हो चुका था तो मैंने अजीक को बोली चलो मैं तुम्हारे साथ कुछ खेल लेती, क्योंकि उसे एक्टिविटीज़ ऐसी चाहिए थी ना, पेंटिंग है, कलरिंग है, ये सारी चीज़ें थी। और मुझे हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं रोज़े में अभी उसको इतना सारा सब निकाल के दूँ सामान, तो मैंने उनके साथ यूनो कार्ड्स जो होते हैं ना, बस वो खेलने लगी। क्या होता है ना, फिर एक बच्चा खेले तो दूसरा भी आ जाता है। फिर अरशान ने भी टीवी ऑफ करके आ गया, अजान भी मेरे पास ही था, वो अपना सामान इधर से उधर कर रहा था, और बस हम लोग ने कार्ड्स वगैरह खेल लिए ताकि बच्चों का थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाए। फिर किचन में आना था, ज़्यादा इफ्तारी आज बनानी नहीं थी, प्याज का एक्चुअली बिलिस्ता ख़त्म हो गया था ना बिरयानी पुलाव के लिए जो मैं बना के रखती हूँ, तो मैंने फिर से आंटस प्याज की इस तरह से बिलिस्ता बना के रेडी कर ली कि चलो ये टाइम अच्छा है, बच्चे भी वहाँ खेल रहे। मैंने दोनों को वहाँ पर फिर स्टॉप कर दी कि तुम लोग टीवी वगैरह देखना स्टॉप करो और अभी तुम लोग ये गेम कंटिन्यू कर लो। तो बच्चे वहाँ पे खेलने लगे थे तो बीच में मैं इधर पे आके बिलिस्ता बनाने लग गई थी, क्योंकि फिर देखते देखते जनाब जी का टाइम हो जाता है, फिर उन लोग की अरबी होगी तो काफ़ी बिजी हो जाएंगे उसमें ही, तो मैंने ली जब तक उनका टाइम स्पेंड अच्छा हो जाएगा। बस फ्रेंड, यहाँ पे बिलिस्ता बन गई है। मैंने क्या किया, तीन बैच में फ्राई किया, इससे तीन बार में एक साथ डालने से क्या होता है ना, एकदम सॉगी हो जाएगी बिल्कुल भी है ना, फिर क्रिस्पी नहीं बनेगी, इसीलिए थोड़ी थोड़ी करके फ्राई करना चाहिए।
चार प्याज, पांच प्याज, इस तरह से। बिलिस्ता बन गया, ठंडा होने के बाद मैंने इसे बॉक्स में भर दिया है। यहाँ पे मैंने चार से पांच एग्स रख दिए हैं बॉईल करने। एग्स अच्छे से बॉईल हो गए। यहाँ पे मैं बॉइल्ड एग का थोड़ा सा ग्रेवी बना दूँगी ताकि राइस से खाने में ना फिर अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। थोड़े राइस भी बचे थे, जो वेज राइस मैंने बनाया था, पॉट भर के बनाया था, तो वो राइस है काफ़ी। अब तो डेली वेज खाएंगे नहीं इन लोग, तो मैंने इसके लिए अंडा मसाला बना दी। क्या किया मैंने, ज़ीरा क्रैकल किया है फ्रेंड्स, और इसमें प्याज डाल दिया। प्याज को बिल्कुल कच्ची पक्की रखी, और मैंने टमाटर डाल दिया है, और इसमें दो तीन ग्रीन चिली डाल दी हूँ मैंने। फिर इसमें सूखे मसाले डाल देने हैं आपको जो भी पसंद है, जैसे कि धनिया है। मैंने इसमें रेड चिली पाउडर नहीं डाला क्योंकि ग्रीन चिली ऑलरेडी है। और हाँ, मैंने इसमें एक मैजिक मसाला डाल दिया है क्योंकि इससे टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। खूब अच्छी तरह से भून रही हूँ। बाद में मुझे याद है कि मुझे धनिया पाउडर डालना है, तो ये मैंने धनिया जीरे का पाउडर बना के रखी थी रमज़ान के लिए, क्योंकि ये लगता है ना रगड़े वगैरह में, तो धनिया जीरा इकट्ठा ही मैंने इसमें एक टेबल स्पून डाल दी थी, जो शूटिंग में नहीं हो पाया था, वीडियो शूट नहीं हो पाई थी उसकी। अब क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे एग्स कट करके इसे अच्छी तरह से इस पर रख दूँगी, और इस पर थोड़ा सा मसाला कोट कर लूँगी ताकि एकदम बॉयल्ड एग लगे ना, ना उसमें थोड़ा मसाला कोट हो जाएगा ना, तो वो राइस से खाने का मज़ा आ जाएगा। बस इस तरह से मैंने थोड़ी सी चिलीज़ भी ऊपर डाल दी क्योंकि स्पाइसी थोड़ी चाहिए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि चावल जो है ना कम स्पाइसी है, क्योंकि उसमें कुछ भी मीट भी नहीं डाली थी मैंने, वेजिटेबल्स का बनाई थी। बस उस हिसाब से ये मैंने ऐसे रखी हूँ। इसे दो से तीन मिनट के लिए बस ढाक के मैं दम पे कुक कर लूँगी ताकि थोड़े से ऑयल में ना फिर ये अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा पटेटो, ये जो हमारे बॉयल्ड एग्स हैं, तो अच्छा भी लगेगा उसका टेस्ट क्योंकि थोड़े से फ्राइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया है फ्रेंड्स गरम करने, ऑयल डाल दिया है उसमें, और यहाँ पे मैं बनाने लगी प्याज की भजिया। तो मैंने प्याज कट कर लिया है स्लाइस करके, दो प्याज की बनाना है क्योंकि बच्चे तो इसे खाएंगे नहीं, मेरे बच्चे बिल्कुल भी पकौड़े वगैरह खाते नहीं हैं शौक से। हाँ, नगेट्स वगैरह कुछ रहेगा तो उन लोग खा लेंगे, तो हर चीज़ क्वांटिटी मेरे को कम ही रखनी पड़ती है, इसीलिए मैं डायरेक्टली उन्हें खाना ही खिला देती हूँ, तो इसीलिए खाना मस्ट होता है। बाकी जो भी ऐसा मन होता है तो फिर हम लोग कुछ ना कुछ इफ्तारी का बना लेते हैं। तो अब ये प्याज की भजिया, अचानक से हस्बैंड आ गए थे जब उन्होंने किचन में पूछ लिया क्या बना रहे हो, मैंने बता दी ये दो तीन आइटम है, तो वो बोल रहे थे कि मेरे को ना प्याज की भजिया खाने मन हो रहा है, तो बस ऑल ऑफ अ सडन ये बना रही हूँ, वरना कुछ भी ऐसा बनाने का प्लान ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी वो खाना खाना था, एग्स भी हैवी होते, प्रोटीन होते, तो बस उनकी वजह से ये प्याज की भजिया बन रही है कि वो भी खा लेंगे फिर शौक से, क्योंकि बंदे ने रोज़दार ने एकदम टाइम पे मांगा है तो फ़र्ज़ है हमारा कि हम बना के दे दें। तो यहाँ पे मैंने प्याज को ना पकौड़ा मिक्स का जो मेरे पास है ऑलरेडी पाउडर, तो मैंने उसे ही डायरेक्टली डाल के मिक्स कर लिया है। कुछ भी मुझे मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस जिस चीज़ के पकौड़े बनाने हैं, आलू के हो, अंडे के हो, मिर्चों के हो, पालक के हो, या फिर प्याज के हो, डायरेक्टली पकौड़ा मिक्स का जो बेसन मिक्स है हमें डालना है और मिक्स करके इसे फ्राई कर लेना है। यहाँ पे ये फ्राई हो गए हैं क्योंकि मेरे को ऑलरेडी मेरे पास ये रखा हुआ था, हस्बैंड ने मेरे को थोड़ा बना के स्टॉक करके दे दिए थे ना, जो लास्ट ब्लॉग में आपने देखोगे इन्होंने देखे थे ना, इन्होंने जो समोसे वगैरह बनाए थे, थोड़े समोसे बने थे तो हमने इसे फ्रीज कर लिया है। तो आज मैंने उसे फ्राई नहीं की, मुझे एयर फ्रायर का रिज़ल्ट देखना था कि एयर फ्रायर में समोसे कैसे होते। मैंने हल्का सा क्या किया, एयर फ्रायर को पहले मैंने थोड़ा सा हल्का सा प्री हीट कर ली थी, प्री हीट होने के बाद फिर मैंने इसे समोसे का ऐसा बना हुआ रहता है ना वहाँ पे, तो फिर हमें बस वही ऑप्शन को टच करना है, तो फिर उस पर मैंने स्टार्ट कर दी थी, और ये एक तरफ से हो गया था। जब शेक का ऑप्शन आया तो मैंने उसे निकाल के अच्छी तरह से ग्रीस कर ली ऑयल से, ऑयल की स्प्रे बॉटल भी लेना है ताकि अच्छा रहता है ना, स्प्रे बॉटल से सिर्फ स्प्रे कर दूँ। खैर, मैंने ब्रश की हेल्प से हल्का हल्का सा ऑयल को इस तरह से स्प्रेड कर दी हूँ, और इसकी फ्लिप कर दी, इसकी जो चेंज कर दिया है साइड उसका, बहुत मज़े के क्रिस्पी तो हुए थे फ्रेंड्स। आप आगे रिजल्ट देखना, हस्बैंड ने कमेंट किए इस पर बड़ा मज़े का कमेंट किए इफ्तार के टाइम। बस हो गई है फ्रेंड्स मेरी इफ्तारी रेडी। अस्सलाम वालेकुम, अजान सो चुका है, चलिए चलते इफ्तारी के लिए। ये जो प्लेटर दिख रहा है आपको, इनके फ्रेंड ने इफ्तारी डाल के लेके आए ना, और वो अकेले रहते हैं यहाँ पे, असल में इसलिए ये नाराज़ हो रहे हैं कि
के देखो उसने इफ्तारी डाल के दे दिया, इसमें वो अकेले रहता है बेचारा। बस वही मैं सुन रही थी कि हमें को समझा रहे थे वो। या अल्लाह मेरे परवरदिगार हमारे रोजे नमाज कबूल फरमा, आमीन। या अल्लाह हमें हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमा, आमीन। या अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, आमीन। या अल्लाह जो इंतकाल कर गए मरहूम, या अल्लाह उन्हें जन्नत में आला से आला दर्जा अता कर, आमीन। या अल्लाह जो पैलेस्टाइन में तकलीफ में, या अल्लाह उनकी तकलीफों को दूर फरमा, आमीन। या अल्लाह मेरे परवरदिगार सभी को सब्र करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। या अल्लाह मेरे परवरदिगार जो मेरे औलाद है उन्हें औलाद का सुख नसीब फरमा, आमीन। या अल्लाह जिन्हें औलाद है उन्हें नेक और फरमाबरदार बना, आमीन। या अल्लाह हम सभी को पूरे रोजे और नमाज करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। या अल्लाह हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ कर, या अल्लाह हमें कुरान शरीफ मायने के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा, आमीन। गाइस ये देखिए एयर फ्रायर का रिजल्ट, फेल हो गया। ये मजाक कर रहे हैं। पास हो गया तो बोलना चाहिए। ये देखिए पास हो गया है एकदम क्रिस्पी। अब आप आवाज सुनिए। सुने फ्रेंड्स कितना क्रिस्पी है विदाउट ऑयल। ये बात अलग है, वजन कम नहीं हो रहा ऐसे बोलूं क्या? लेकिन एयर फ्रायर, एयर फ्रायर में एटलीस्ट बना है, रिजल्ट आपको बता रही हूँ। सुनना बेटा, खाते इसको थोड़ा सा खा लेते हो। ओमानी खा लो, ओमानी। यू लुक लाइक ओमानी, यू आर इंडियन। चलो खाओ। नहीं नहीं नो प्रॉब्लम बेटा, क्या हो रहा है फाइट? We all are Indian except Azani. He is Omani and he is not in our family. Why he is not of our family? Because he is Omani and we all are Indian. So no. We all born in India. He is the one who born in Oman. So he is Omani. Guys, ये हमारे नेबर ने भेजा है। अंडे, अंडे है अंडर, अंडा है अंडा, अंडा। और मैं इस पे पढ़ू छोटे पे? फ्रेंड्स इफ्तार हो गया, अब हम मगरिब पढ़ लेंगे थोड़ा खाने के बाद। हम लोग मगरिब पहले पढ़ लेते हैं फिर बाद में हम लोग खाना भी खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मगरिब पढ़ लेंगे अब हम लोग सब लोग साथ में इंशाल्लाह। और हस्बैंड इफ्तारी पे कह रहे थे क्योंकि कल हमने इनके फ्रेंड को इफ्तारी दिए थे जो अकेले रहते हैं ना यहाँ पे, तो उन्होंने आज फिर है ना उसमें सारा कुछ डाल के फिर वापस से दे दिया। तो हस्बैंड कहने लगे मुझे कि अब तुम ये प्लेटर यूज़ ही मत करो देने के टाइम, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना वो बंदा अकेले बेचारे रह रहे और फिर वो भी हमको वापस दे रहे इफ्तारी। तो इसीलिए हस्बैंड कह रहे थे कि उसे यूज़ एंड थ्रो में ही दिया करो अगर दे रहे, तो इस तरह से अब ये प्लेटर यूज़ ही मत करो। तो मैंने भी ठीक है बोली, फिर बस हम इफ्तारी इन्जॉय की अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ्रेंड्स आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना और बहुत सारी इबादतें करो, और सभी लोग एक दूसरे की दुआएँ लो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अकबर। अस्तगफिर अस्तगफिर।